गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मेरा अभी चल रहा है क्लीनिंग बिकर के बाहर। तो यहाँ पर अभी पूरा ये एरिया है, यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर थोड़ा बहुत अभी क्लीनिंग का बाकी है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले कर लेते गाइस। मेरे पास एक प्लेन वाली कुर्ती है, ये वाली पिंक कलर की कुर्ती है, प्लेन वाली कुर्ती। तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर आके हैंडवर्क करना है, तो मैंने अभी तो स्टार्ट तो कर दिया है, जैसे अच्छा लगा थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है अभी। तो ये वाला अभी पार्ट है आगे वाला, आप सबको अभी दिखाती हूँ। तो इसमें अभी स्टार्ट किया है, मुझे हैंडवर्क बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त निकाल के मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन नया क्रिएट करती रहती हूँ, क्योंकि हम ये मुझे ज़्यादा शौक़ है ये सब सारी चीज़ें करने का। तो अभी तो फिलहाल अभी गले का ही स्टार्ट किया है, तो अभी तो ये वाला सिंपल अभी मैंने स्टार्ट किया है। आगे आगे देखते हैं जो अच्छा लगेगा उसमें ये मैं करूँगी। ज़्यादातर पिंक के साथ डार्क पिंक ऐसा वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इस बार मैंने रामा कलर जो होता है स्काई डार्क स्काई ये सब ये कलर और वाइट दो मिक्स करके अभी ट्राई किया है, कॉम्बिनेशन ये दोनों का भी किया है। जैसे मेरे पास ये वाला धागा भी है, वैसे मैं ज़्यादातर अभी ये वाले थ्रेड से ही हैंडवर्क करती रहती हूँ। तो मेरे पास ये एंकर का थ्रेड है, कुछ इस तरह का कलर है, मेरे पास ये बचा हुआ था एक साड़ी का ब्लाउज मैंने जो डिज़ाइन किया था उसमें ये बचा हुआ था। तो मैंने इसके साथ पिंक के साथ अभी कॉम्बिनेशन करके इसका वर्क स्टार्ट किया है, फाइनल हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसा बना है। तो अभी तो थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नहा लिया? हेलो निकालो मामा निकालो खींच 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 हो गया। ऐसे बहुत बढ़िया थे। और ये पहले मुमा का फोन था, अब मेरा हो चुका है। नहीं मुमा का नहीं था वो, ये मेरा पाउडर, ये मेरा स्प्रे, मेरा फेवरेट। देखो कितना स्प्रे लगाऊंगा, फिर पाउडर लगाते हैं, पहले ये हेयर को अपनाते हैं। बिना धो के फ्रेश होके अभी करना पड़ता है, हेल्प कर रहा है, हेल्प भी करना पड़ता है, ऐसा है। हाँ वो खाएंगे कहीं से, वो बात भी सही है। इसमें मेरा मैं मामा दूध बनाना होता है मामा को, मेरा हॉर्लिक्स वाला और चल रहा है अभी लंच, सब्जी रोटी पापड़ छाछ। तो अभी भिंडी की सब्जी आज बनाई है, खुशी की फेवरेट है वो। चलो अभी खाना खा लेते हैं पहले। ये अपने आप खाता है और आज मम्मा उसे खिला रही है, मम्मा की हेल्प चाहिए मुझे। तुझे 4 बजे है और अभी जा रहे हैं शॉप, वहाँ से बाहर जाएंगे शॉपिंग करेंगे। और थोड़ी बहुत ठंड है अभी, शाम के टाइम ज्यादा लगती है, तो बहुत ज्यादा लगती है आने में, तुम बर्फ बन जाते हैं। तुम दोनों को तो बहुत लगती है। आई एम रेडी गुड सो दोनों ने अभी यहाँ पर अभी शुगर केन खा ली है, गंदा इतना गंदा कर दिया है यहाँ पर। दिस माय सुपर फास्ट राइडर स्पीड नंबर 1। देखो 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 कैसे इसको कहते हैं ड्रिफ्ट।
पार्क कर दे अपनी गाड़ी, बस हो गया हो गया हो गया, नहीं चल ना बच्चा। अब बिल्लू देती की सो पर अभी वर्क कंप्लीट हो चुका है, पूरा अभी नेक बन के रेडी हो चुका है। ये अभी छोटे छोटे नोट्स मैंने लगाए हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी हम घर पे आ चुके हैं एंड मम्मा यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करी, बहुत सारे हैं। इतने सारे लिए क्या आपने? हाँ आज ले लिया सब, लेकिन अभी ये दो दिन में खत्म हो जाते हैं जूस में ज्यादा। हाँ आपको जूस पीते हो ना सुबह, और पर वो वहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं। उसे वॉश क्यों किया? बैंगन को? हाँ ये पानी में वॉश कर रहे ना, तो इसके छिलके इजीली निकल जाते हैं। अच्छा इस बैंगन से बहुत धुएं निकल रहे हैं। तो खुशी यहाँ पर बना रही है आज बैंगन का भट्टा, और शायद मसाला खा रही हूँ। दिख तो वैसे अच्छा रहा है, टेस्टी भी होगा। मम्मा ने सारे प्रिपरेशन कर दी है और खुशी अभी बना रही है। ऐसा बोल, अरे बन बना तो मैं रही हूँ ना। चलो अभी ये सारे वेजिटेबल्स मुझे अभी कट करने हैं, थोड़ा बहुत सारे वेजिटेबल्स कट करने। सारे नहीं मतलब मैं कोरिएंडर वगैरह कट करके रख दूंगी, पुदीना वैसे ये सब, बाकी ऐसे ही। मैं नूडल्स खा रही हूं, मैं ना आलू को फास्ट कर रहा हूं। मम्मा नूडल्स, हां अभी तुम्हारे रेडी आ जाएंगे पता चलेगा, फास्ट कर रहे हो स्लो कर रहे हो। मम्मा मैं ना नूडल्स खा रही हूं, देखो कैबेज नूडल्स। बहुत सारी चीजें डाली है, मटर प्याज टमाटर, उसके बाद हमने तेल डाला है, उसके बाद तेल नहीं उससे पहले तेल डाला है, नीम के पत्ते डाले हैं, और मैं कचुंबर खा रही हूँ। हाँ वैसे हमने इस बार मटर डाले हैं, वरना हम नहीं डाले, वरना नहीं डाले। ऐसा नहीं अभी तो सीजन है ना, ग्रीन मटर मिल रहे मार्केट में, बट अच्छा लगता है तो इससे टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे मम्मा कभी मटर इसमें डालती नहीं है, मैंने कहा मटर मटर इसमें कैसे डालता है? आज के बाद मैं कभी ओरो नहीं खाऊंगा, मटर वाला बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओरो? हाँ तो ओरो नहीं खाऊंगा, आज तक गुजरात जाता ही थी मटर ही है। टीचर ने नहीं सिखाया है पता चल गया। आज तो क्लास ही नहीं हुई है। हाँ आज टेस्ट थी ना। देखो गाइस यहाँ पे ये मेरी हो चुकी है, और अभी इसको हम ले लेंगे, बहुत अच्छी बनी है। और ये बन चुकी है तो हम इसके इसको ऑफ कर देंगे। अभी ये बैंगन कब डालने का है रे? चलो अभी डाल देते हैं मेरा। अभी इसमें हम ओरो डालेंगे, सॉरी बैंगन डालेंगे, जो कि जिसका हमने ऐसे मार मार के एकदम भरता बना दिया है, और अभी इसका हम कचुंबर बना दिया है, और अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे कि वो एकदम ओरो बन जाएगा। तो हमारे अभी इस बैंगन को पकने देते हैं, उसके बाद हमारा ओरा बन जाएगा। चलो अभी कौन आ गया? चलो अभी क्लास लगनी शुरू। कितनी ठंड थी बाहर? नहीं है नहीं है आज,
अरे मैं दूध लेने गई। मम्मा यहाँ पे रोटला बना रही है। मेरा ओरो बन चुका है, मतलब कि बैंगन का भरता बन चुका है। गुजराती में बैंगन के भत्ती को कहते हैं ओला 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 ओरो। ये क्या खा रहे हो? मग दाल। मग दाल मूंग दाल बोलते हैं। मूंग दाल बोलते हैं। मूंग दाल करता है, मूंग दाल करता है, सब कुछ करता है। सब कुछ कहते हैं। हाँ, हम गुजराती है तो कभी कभी गुजराती बोल निकल जाती है। निकल जाती है। यहाँ पे ओरो बन चुका है। कैसे आज खुशी के बनाए हैं तो कब से शूटिंग कर रही है। मैंने बनाया सुगंध मस्त आया है मुझे। जो भी बनाया मस्त बनाया। देखो वो तो करते ही है। सुगंध आ रही है। यहाँ पे रोट लो बन चुका है। यहाँ पे हमारी फुल डिश रेडी हो चुकी है। एंड पापड़, रोटलोम, बैंगन का भरता, सलाद, मर्चू, भजुई, चिल्ली क्या था उसको, सब कुछ जा चुका है। एंड अभी डैडी खाएंगे। खाओ गुजराती डिश, खाओ गुजराती। गले में मिलती थी वो खाएंगी। देखो देखो पीछे देखना, देखो खेलने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर वॉक करूंगी। आज हमें ना जब हम दुकान से शॉप से आ चुके थे तब हम नहीं गए थे, पर वो को एक चूल्हे ना तो वैसे भी हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं, यानी कि हम खेल के वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे परोस हो चुका है। हेलो तो बोल दी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। नाटक कर रहा है। और अभी मम्मा बुक रीड कर रही है। एंड अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड थिंग। और हाँ, अगर हम आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अरे ठीक से करना। थैंक यू सो मच फॉर बाय। शूटिंग हो गया। हाँ।